नमस्कार, मैं हूं जगदीश सारडा और मैं एक प्राणी हीलर हूं एंड आल्सो आई एम इनटू स्टॉक मार्केट्स। टुडे वी हैव आवर रेस्पेक्टिव डॉक्टर पल्लवी देशपांडे जी, जो एक प्राणी हीलर हैं और शी इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट। शी इज़ ए इंटीग्रेशन ऑफ बोथ फिजियोथेरेपी एज वेल एज प्राणी हीलिंग। एंड आज वो हमारे को बताएंगे कि प्राणी हीलिंग क्या है और हाउ शी हैज कम इनटू प्राणी हीलिंग। थैंक यू सो मच जगदीश सर। फॉर मी प्राणी हीलिंग इज गॉड्स गाइडेंस, है ना। और यूजुअली लोग मुझे पूछते हैं, बहुत अभी परसों की बात है, पूना में हमने नया सेंटर ओपन किया और वहाँ पर मैं एक ऐसे ही अनजान इंसान को मैं बता रही थी कि मैं एक प्राणी हीलर हूँ और वो बहुत खुश हुए। बट एकदम से उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे पास ग्रेट डेन है, और फिर उसके बाद बोला हाँ, एक पैरट है। तो वो उनको ऐसे लगा कि आई एम इनटू एनिमल हीलिंग। सो डेफिनेटली एनिमल इज आल्सो अ फॉर्म एंड आई रिस्पेक्ट एवरी फॉर्म, बट यस वी वर्क ऑन द सोल व्हेन इट कम्स टू प्राणिक हीलिंग एंड वी वर्क ऑन द एनर्जी। सो प्राणा इज लाइफ फोर्स, और उस लाइफ फोर्स को आप बैलेंस करना, और वो बैलेंस कैसे बिगड़ता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं कि इट इज नॉट ओनली, ऑफकोर्स ये सोल जर्नी नहीं, उसके भी पहले वो बैलेंस बिगड़ता चला आया है एंड वो हम री रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं प्राणिक हीलिंग में। वेल, मेरे लाइफ में प्राणिक हीलिंग कैसे आया, एक मेरा डोमेन इज द फील्ड ऑफ मैजिक, और मैंने बहुत सारा काम किया है। व्हेन आई वाज लाइक 8-9 ईयर ओल्ड एंड फॉर इयर्स वी वर इनटू इट, नाउ दिस इज 30 इयर्स बैक, और हमने 3500 शोज किए हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड ऑल। सो आई फील कि जो वो मैजिक करते हुए जो हैंड के जेस्चर्स होते हैं ना, तो उस समय तो अकल नहीं थी, आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड। सो वो जो जेस्चर्स है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चले गए, इट्स पार्ट ऑफ एवरी सेल मेमोरी नाउ, और इट आई फेल दैट सर्कल इज कनेक्टेड। सो समहाउ प्राणिक हीलिंग फॉर मी इट मेक्स मी कनेक्ट टू द आइडेंटिटी ऑफ मैजिशियन, जो मैंने तो इतने साल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया, बट या नाउ इट इज गॉड्स मैजिक आई फील। सो दैट इज वन थिंग दैट रियली यू नो हैज ड्रिवन मी टूवर्ड्स प्राणिक हीलिंग। एंड सेकेंडली इज एज आपने शेयर किया कि वी आर इन टू हेल्थ इंडस्ट्री सिंस 2003 एंड मतलब 1998 में आया।